बेसिकली आज का चैलेंज बड़ा सिंपल सा है, काफी हमारे फैमिली मेंबर्स ने ये रिकमेंड नहीं किया था, सिर्फ एक ने किया था, हम सबकी सुनते हैं। आज फैमिली हम लोग वो चीज करने वाले हैं जिसमें मैं और संजय है बेस सुर हैं, एक को ही आते हैं सुर। वाओ, दिल कौन है यार, कौन है ये, मैं बारी जावा। आई थिंक दीक्षा फॉर श्योर। ओके सो गाइस, आज का चैलेंज क्या है कि हमें करनी है सिंगिंग फॉर 24 आवर्स। बेसिकली मुद्दा क्या है कि आपको अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है पर उसमें आपको सिंगिंग इंक्लूड करनी है। 3, 2, 1 गो। रॉक पेपर सीजर शूट। ओए व्हाट, ओए गॉड, नहीं यार, नहीं यार, दीक्षा करने वाली है सिंगिंग फॉर 24 आवर्स। लेट्स डू इट। जितना लक मटकावे मेरा साल ले जावे, Snapchat hote sare filter lave 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 ye dudi, ye batao karna kaise hai bhai? See, it's very simple, all you have to sing. Aur time shuru ho chuka hai, sing matlab normal life mein tum baat mere paas harmonium bhi nahi hai, main gaati ruko ruko अबे साले। हमारे नेबर सोचे क्या सिंगिंग क्लासेस हो रही है बाजू वाले घर पे। सा सा रे रे गा गा मा मा। अबे ये नहीं करना यार, नेचुरल। अब शुरू कर दो। ओके, ट्राई टू यू नो एंड एक्शन। अब अगर तूने क्या, अगर इसके बीच में सिंगिंग छोड़ी तो अपने मुंह पे थप्पड़ खुद मारेगी। बिकॉज वी डोंट प्रमोट वुमेन वायलेंस। हां वुमेन क्या, एनी वायलेंस इज नॉट गुड, टेल देम। सो फैमिली 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 वायलेंस violence is not good for any gender. मैं already irritated होने लग गया यार, सच्ची में बताओ ना, ये तो हम पे ना हो जाए सच्ची में। अब ये बताओ कि आज हम क्या करने वाले हैं दीक्षा? वो मैं गिटार, वो मैं गिटार बजा रही हूँ। ये कौन सी गिटार, ये क्या बर्फ पड़ने वाली है यार? गिटार तो ऐसा ही बजता है, ऐसे 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 ऐसे। सो फैमिली, हम जो करने वाले हैं वो क्योंकि इजी है इसलिए ये है जवान। चिप्स मांग रहा है। या तो मैं गाना गा लूं, या तो मैं सुर लगा लूं, या तो मैं एक्सप्लेन कर लूं कि भैया हम क्या करने वाले हैं। क्या आप ही क्यों नहीं अपने अंदाज में बता सकते हैं? देखिए, आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि आप जिस जो काम करते हैं अच्छी बात है, कोई भी काम जो होता है अच्छा काम होता है, इज्जत की रोटी कमाते हैं। मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ में वो बात ही नहीं है। पर दुर्भाग्य से हम एक गायक के रूप में आपसे आपको स्वीकार नहीं कर सकते। धन्यवाद, थैंक यू। गाइस ये कैसे कैसे चैलेंज लिख देते हो, हमें सुनना पड़ रहा है। चलो फिर अब चलते हैं, कहाँ चलना है? फैमिली, आप रेट कर सकते हैं कि मैं कितनी बेसुरी हूँ 1 to 10 में से। डॉग्स अलाउड है, वो भी ऋषि भैया एंड संजय दत्त के साथ। आई एम सो एक्साइटेड, फज इज गोइंग। हमें डॉग क्यों बोला इसने? मैंने बोला कि वो भी संजय और ऋषि भैया के साथ, ना कि आपको डॉग बोला है मैंने। और फैमिली, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज फजी पुत्र भी हमारे साथ पूरे व्लॉग में रहेगा। ये पागली होगी कसम से भाई, तरीके से चल रहे हैं। नॉर्मल सिंगिंग भी होती है। हाँ, जैसे मैं वो अपने पार्ट्स में बताएंगे। अब इसकी टर्न है, हम इसको क्यों हमारे टैक्टिक्स बताएं। एग्जैक्टली। हे फैमिली, हम फंस गए हैं ट्रैफिक में। ये कभी बढ़ता नहीं है, कभी कम नहीं होता। होता है तो फिर भी हमें प्रॉब्लम होती है। जब प्रॉब्लम होती है मुसीबत में जाते हैं, मुसीबत में जाते हैं तो हमें मेट्रो लेनी पड़ती है। मेट्रो नहीं है, लोकल नहीं है, लोकल नहीं है, मेट्रो नहीं है, मुझे क्या ले क्या ले। ओह माय गॉड। फिर मैं सोच
नहीं होगी, ना मेट्रो लेंगे, ना लोकल लेंगे, ना लोकल लेंगे, ना लोकल लेंगे, हम लेंगे गाड़ी, गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी में घूमेंगे फिरेंगे, गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। हंसी भी तुम्हारी गाने में होनी चाहिए। टार्जन नहीं बनना है। फैमिली हम निकल पड़े हैं पर मुझे कुछ समझ ही नहीं लग रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है और मुझे समझ नहीं लग रहा कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये है ना, ये लास्ट में दो बार बोलने से ना तुम सिंगिंग नहीं हो जाती। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। जो बंदा रैप गाता है उसको सिंगिंग नहीं आती, इसलिए वो रैप गाता है। चैलेंज का नाम ही सिंगिंग फॉर 24 आवर्स है भाई। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। ये लास्ट में दो बार रिपीट कर रही है चीजें। चुप हो जा दो मिनट के लिए यार, बस हो जा, बस शट अप। इसको फंसाते, मेरे पास एक आइडिया है। ये एयरपोर्ट पे हम क्या करने जा रहे हैं? डूडी आपके क्या इरादे हैं? डर लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ क्या आता है, वहाँ लगता है मुझे डर। कैसे कर पाऊंगी ये मैं सर? देखो ऐसी बात है कि हम गाइस जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स। जी हाँ, एयरपोर्ट पे थोड़ी भूखी भूखी लगी, हमने सुबह कुछ खाया नहीं फैमिली। तो दीक्षा मेरे लिए तो कर देना एक मैकवेजी। आप अपने करो खुद से ऑर्डर, मैं अपना करूंगी खुद से ऑर्डर। आपका जो ऑर्डर है वो आपका ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर रहेगा तो मैं अपने आप बोलूंगी। बचपन से लेके आज तक हमने ऐसे ही ऑर्डर किए हैं, तो आज क्यों रुकना है? Oh my God! दीक्षा is slaying. दीक्षा देखो इंडियन आइडल में जाना चाहिए, तेरे को पता? हम ऑलरेडी मुंबई में ही रहते हैं, कहाँ जाके वो कहेंगे कि आप मुंबई आ जाओ, रह तो हम इधर ही रहे हैं, पहुँच तो मुंबई गए हैं। Man, I cannot understand a thing. क्या बोल रही लड़की सच्ची में? हम पहुंच चुके हैं मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू पे, अब हम ऑर्डर देंगे। भैया पैक कर देना मेरे लिए फ्राइज, फ्राइज के साथ एक आलू टिक्की, और आप मत भूलना मेरे लिए कोक। ऐसे करो एक स्मॉल मील ही पैक कर दो मेरे लिए, थैंक यू। Thank you. एक मेरा भी ये ऑर्डर है भैया, एक कर दो आप फ्राइज के साथ कर दो आलू टिक्की, ऐसे करो आप एक मील ही कर दो प्लीज। संजय भैया पूरा भैया मील ही बना देना। मैं ना मेरा लॉक कर दी, दीक्षा वहां से मेरे ऊपर भी नहीं कर सकती। दीक्षा पेमेंट कर दो आप प्लीज, पेमेंट ले लो इससे, थैंक यू। इस पे टैप वर्क करता है, आप इसको टैप कर लेना, थैंक यू। डू यू एक्चुअली थिंक इट्स गोना मेक इट ऑल मोर एम्बैरेसिंग बिकॉज इट इज ऑलरेडी। भाई साहब ये लड़की ने कमाल, गाइस हिट लाइक बनता है दीक्षा के लिए, उसने कमाल कर दिया कसम। डू यू नो हाउ एंबैरेसिंग इट इज, डू यू नो हाउ एंबैरेसिंग इट इज, डू यू नो आई नो ये मेनू नहीं पसंद, डू यू नो ये बहुत गंदा बंदा। फ्राइज उधर दे मैं छड़ते राइस, छड़ते राइस। फिर
ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਸ ਤੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਖਾਣ ਦਾ ਆਨੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੋਟੀ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਟ ਸ਼ੇਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਟ ਸ਼ੇਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਕੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਫਰਾਈਜ਼ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗੁੱਚੀ अगर हम गुच्ची अरमानी लेने लायक होते ना तो ये चैलेंजेस ना कर रहे होते इस टाइम पे Do you know? पता है मुझे पैसा वहाँ से ही आएगा मेरे लिए शॉपिंग करने के लिए क्योंकि पापा कहते हैं डोंट वेस्ट द मनी तो विल यूज क्रेडिट कार्ड Do you know? गाइस हम पहुंचे मॉल में वो था बहुत वाव वाव और फच भी करता वाव वाव बोला कि मुझे बुक्स ला दो ना भैया ऊपर है शॉप प्लीज 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 वेट यहाँ तो 2D फोन भी मिलेगा ये 2D फोन ला दो मेरे पास पैसे नहीं है ला अरे भाई भाई पैसे नहीं है अरे भाई पैसे नहीं है प्लीज ला दो अरे नहीं है अरे गाइस अब गाइस हम वॉइस ओवर दे रहे हैं क्योंकि मॉल में गाने चल रहे थे कॉपीराइट ना पड़े और तू कंटिन्यू कर ये गलत है भैया कुछ लाके नहीं दे रहे ये तो बहुत गलत बात है फिर हमने की शॉपिंग फज के लिए ली मोस्टली और बहुत सारी ट्रीट्स अरे गाइस आज की वीडियो हमारी स्पॉन्सर नहीं है ये साला खर्चा इन्होंने खुद किया है इसके पागल ने वो भी मैंने दिया है कैश UPI तो चल ही नहीं रहा था और हमारे बैंक तो बहुत ही बेकार हैं जब हमें जरूरत होती है तभी ये सारे डाउन हो जाते हैं बस करो ये वॉइस ओवर खत्म हो गया दीक्षा सॉरी सॉरी मैं फ्लो फ्लो में बह गई पकाने के लिए संजय क्या पीते हैं हम लोग बहुत ही अच्छी जगह है ये यहाँ पर पास में है फरहान अख्तर का घर अब तो भाग बिल्कुल मैं अभी चाय लूंगी अपने लिए दादा एक मेरे लिए चाय बना दो प्लीज बेटा बनी हुई है तुमने लेनी है बना दो क्या होता है वो बनाने वाले हैं मसाले वाली चाय है ओ माय गॉड मुझे तो मसाले वाली चाय बहुत पसंद है भाई ये बताओ इसका गाना कितना गंदा लगा आपको रेट करे उसे 1 से 10 के बीच में अच्छा लगता ही नहीं प्यार का गाली भी अच्छा लगता है थैंक यू सो मच दादा बहुत ही यम्मी है ये चाय भाई मैं ना कार में बैठ रहा हूँ लोग देख रहे हैं कौन ऐसे बोली जा रहे हैं पागलों की तरह चलो भज्जी हम निकलते हैं ठीक है ये पागल हो गई लड़की दादा वो तो मेरे पास नहीं है वो प्यार से दादा लगते हैं मुक्का जब मारेंगे तो दादी याद करवा देंगे दूरी आपके कपड़े सूख गए हैं साथ में आपकी चड्डियां भी सूख गई हैं दोनों को तय मार के अपनी कबड में रखो क्योंकि मम्मी पापा नहीं है मैं तो नहीं करूंगी यार डूडी ये हम कहाँ फंस गए ब्रो हेलो ब्रावन डांसिंग नहीं है सिंगिंग है गाइस अगर आप चाहते हैं डांसिंग को ट्रेंड नहीं 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 नो 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 मेरी बात सुन मेरी बात सुन ओए ओ हेलो भाई तू रखती है हमेशा टाइम आपके कपड़े क्यों रखे आप खुद जाके रखो अपने कपड़े ब्रो हेलो मैं क्यों रखूं आप भी इंडिपेंडेंट हो ना जाके रखो ना रहना आपको इंडिपेंडेंट था ना तो रहो रहो करो करो आज की रोटी है भैया की तरफ से भैया बनाएंगे हम के लिए तुम्हें फुदू दिमाग खराब करते कर रहे हो ड्यूटी तुसी ए सब की कर
है गाइस। सो हम खुद ये चैलेंज को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये लड़की हार नहीं मानेगी। ये लेडी जियान हमें मिली है। अभी तो 20 बोला था, तो 30 पे कैसे आ गए? 130, 230, ये क्या प्राइस हुआ? ये कितने कम में लग सकता है ये बताइए आप पहले। 250 बहुत ज्यादा है, आपने 20 बोला था तो 20 रुपए में चाहिए 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 चाहिए। कितने में दोगे आप ये हमें? 100 रुपया 100 रुपया। अभी और दाम गिरेगा गिरेगा गिरेगा। इस लड़की ने बार्गेनिंग भी नहीं छोड़ी यार, बार्गेनिंग भी की है। ये काम तो हम सब लड़कियों का है, अगर एक चीज हमें 200 की मिलती है वो तो हम 100 में लेके रहेंगे।